दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां दिल्ली के मलकागंज इलाके में चार मंजिला इमारत गिरने से हादसा हुआ है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। मलबे में दबे लोगों को बचाने का काम जारी है। दिल्ली के मलकागंज इलाके में बड़ा हादसा हुआ है, आपको बता रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां चार मंजिला इमारत गिरने से हाहाकार मचा हुआ है। मलबे में कई लोग दबे होने की आशंका बताई जा रही है, जिसमें मलबे में दबे लोगों को बचाने का काम जारी है। दिल्ली के मलकागंज इलाके में हुआ है बड़ा हादसा, जहां चार मंजिला इमारत गिरने से हादसा हुआ है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नितिन, किस तरीके की चीजें वहां पर देखने को मिल रही है, किस तरीके से हादसा हुआ है और कितने लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है? देखिए, राजधानी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर एक चार मंजिला जो इमारत है वो ढह गई है। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक अगर बताया जाए तो इस दौरान एक व्यक्ति को बचा लिया गया है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। जिस समय ये इमारत गिरी उस समय नीचे सड़क पर कई गाड़ियां खड़ी थी, जो कि अब मलबे में तब्दील हो गई हैं। और बिल्डिंग गिरने के तुरंत बाद जो लोग थे उन्होंने दमकल विभाग को और पुलिस विभाग को इसकी जानकारी दी, मौके पर सब पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। लेकिन पुलिस ने इस बात की भी आशंका जताई है कि अभी भी इस मलबे में कुछ लोग जो है वो अभी दबे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू का जो काम है वो चल रहा है। क्या इसमें किसी के हानि की बात भी कही जा रही है? क्या किसी को जान हानि की भी नुकसान हुआ है? देखिए, पुलिस के मुताबिक बताया ये जरूर जा रहा है कि कुछ लोग अभी भी इस मलबे में दबे हुए हैं और जब तक उन्हें नहीं निकाला जा सकता है तब तक ये कह पाना मुश्किल होगा कि क्या किसी की जान गई है या नहीं गई है। लेकिन हाँ, कुछ लोग जरूर इसमें दबे हुए हैं, तो ये आशंका अभी पुलिस जता रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में ये पता जरूर चले कि किसी भी किसी की कैजुअलिटी जरूर हुई है यहाँ पर। लेकिन ये हादसा अपने में बड़ा है और जिस तरह से पुलिस बता रही है कि लोग अभी भी इसके नीचे दबे हुए हैं, तो आने वाले समय में क्या अपडेट मिलता है इस पर हम लगातार लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।